question, find pH of the following. First, equal volume of two solution pH 2 and pH 3 are added. दो सॉल्यूशन जिसका पीएच 2 है और पीएच 3 उनको इक्वल वॉल्यूम में ऐड किया है, तुम्हें पीएच बताना है, फाइनल पीएच कितना होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन पीएच 3 एंड पीएच 11 आर एडेड। इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, 25 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रूम टेम्परेचर। आंसर है एक्स का। फर्स्ट केस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन आर एडेड, पीएच 2 एंड पीएच 3 बोथ आर एसिडिक सॉल्यूशन, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन है। क्या जब दोनों ही एसिडिक सॉल्यूशन है, देन वी राइट फाइनल अमाउंट ऑफ एच प्लस, मोल्स ऑफ एच प्लस फ्रॉम फर्स्ट वन, मोल्स ऑफ एच प्लस फ्रॉम सेकेंड वन अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम भी ले लो, इफ पीएच इज 2, एच प्लस होता है 10 to the power minus pH। क्लियर? तुम इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो पीएच 2 आएगा ना, यदि पीएच में एक्स दे रखा है चाहो तो लिख लो कहीं पर, इफ पीएच इज एक्स देन एच प्लस विल बी 10 to the power minus x। क्लियर? और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H plus is 10 to the power minus pH, एक ही बात है, pH is equal to X। तो concentration इसका आ रहा है 10 to the power minus 2 into volume V, concentration is 10 to the power minus 3 into volume V upon total volume V plus V। This is the final concentration of H plus, इसको calculate करोगे, negative log लोगे तो pH आ जाएगा। Is that okay? पूरा सॉल्व करके भी बताता हूं मैं। नीचे आ गया 2v, तो v कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power minus 2 प्लस 10 to the power minus 3 बाय 2। इसे रिप्लेस करना है 10 into 10 to the power minus 3 से, 10 into 10 to the power minus 3
10 टू द पावर माइनस 3 ताकि वो कॉमन आ जाए. तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 2. 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन लो, 10 प्लस 1 बचेगा 11 बाय 2. इसका नेगेटिव लॉग 3 माइनस लॉग 5.5. लॉग 5 होता है 0.7. लॉग 5.5 इज रफली 0.74. तो ये आता है सॉल्व करने पे 2.26 अप्रोक्सीमेटली. इट इज नॉट 2.5, ध्यान रखना. 4-3 के बीच में 2.5 नहीं आया है. इज दैट ओके सर? यहाँ पे 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर माइनस 2 है ना. 10 रेस टू माइनस 2 नहीं समझा कहाँ पर? यहाँ पे ये जो आपने लिखा है कि 10 रेस टू माइनस 2 प्लस 10 रेस टू माइनस 3 बाय 2, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 होना चाहिए ना. ये 10 टू द पावर माइनस 3 एज इट इज, ये 10 टू द पावर माइनस 2 को लिखा है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. अच्छा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस. हाँ सर, समझा समझा. सेकेंड वन, देखो जब पीएच 7 से ज्यादा दे रखा है सॉल्यूशन बेसिक होगा. एक एसिडिक सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है. व्हेनेवर वी हैव वन एसिड वन बेस, तो सबसे पहले रिएक्शन कंसीडर करना होता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस, और जो भी एक्सेस रिएजेंट बच जाता है द रिमेनिंग अमाउंट विल डिसाइड द पीएच और मे बी पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन वॉट एवर द रिमेनिंग. यहाँ पर पीएच 3 दे रखा है, मतलब एच प्लस 10 टू द पावर माइनस 3. इक्वल वॉल्यूम है, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ओ एच माइनस. पीएच इज 11, इट मीन्स पीओएच विल बी 14 माइनस 11, दैट इज 3. पीओएच को लिखा पीकेडब्ल्यू, 14 माइनस पीएच, पीओएच 3 आ रहा है, मतलब ये भी उतना ही आ रहा है. बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली टू गिव एच 2. तब ये तो कुछ बचेगा ही नहीं एक्सेस में. क्या H2O प्योर वाटर का पीएच हमें पता है कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच 7, इज दैट ओके? बाय चांस यहां पे 3 की जगह कुछ और होता, ये कंसंट्रेशन अलग आता, तो फिर एक लिमिटिंग रिएजेंट होता विच रिएक्ट कंप्लीटली एंड द एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग विल डिसाइड द पीएच और मे बी पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन. क्या इतना क्लियर है? सर ये वाला क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, बी वाला. पीएच 3, पीएच 11, यदि पीएच 7 से ज्यादा है तो बेस है. जब भी बेसिक होता है इट इज बेटर टू डील इन ओएच माइनस और पीओएच. पीओएच निकाला, एक बार पीएच पीओएच आ गया तो मोल्स ऑफ एच प्लस होंगे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी. मोलारिटी को लिखा है 10 टू द पावर माइनस पीएच. इफ पीएच इज गिवन एच प्लस विल बी 10 टू द पावर माइनस 3. तो कंसंट्रेशन मोल्स ऑफ एच प्लस मोल्स ऑफ ओएच माइनस दोनों सेम दिख रहे हैं. बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट विल रिएक्ट कंप्लीटली टू गिव एच. दोनों के दोनों H2O बना देंगे और उसके बाद H2O बन गया तो H2O का पीएच हमें पता है कितना.
चले आगे, चलो थर्ड केस फॉर द पीएच कैलकुलेशन. वीक एसिड वीक बेस, दोनों का सिमिलर वे में ही पीएच कैलकुलेशन है. क्लियर? एक का पीएच आएगा, दूसरे का पीएच आएगा. चलो सबसे पहले हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड HA. HA कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस H प्लस एंड A माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. वीक वर्ड यूज किया है मींस देयर विल बी इक्विलिब्रियम. वीक का मतलब ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. तो HA H प्लस A माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में इक्वल टू जीरो concentration C 0 and 0 at equilibrium. C 1 minus alpha, C alpha can give C alpha and C alpha. यहाँ पे बजाय हम moles के हम concentration में ही deal कर रहे हैं. We can deal in both moles, A moles, 0 moles, 0 moles. We can write C moles 0 concentration, C concentration 0 concentration and 0 concentration. C 1 minus alpha can give C alpha and C alpha. Clear? इसमें भी deal कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी के ए. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा. ए फॉर एसिड, बेस होता तो के बी कर देते. कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एच ए. एच प्लस इज सी अल्फा, ए माइनस इज ऑल्सो सी अल्फा, सी वन माइनस अल्फा हो जाएगा. वन सी विल कैंसिल आउट, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा. क्लियर? K का वैल्यू आ रहा है सी अल्फा स्क्वायर अपन वन माइनस अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, अल्फा आ जाएगा. अल्फा को यहां पे रखोगे, सी अल्फा आएगा, एच प्लस आ गया तो पीएच आ जाएगा. तो बेसिकली वी कैन कैलकुलेट पीएच यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट जनरली वी टेक अप्रोक्सीमेशन. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती है. इफ अल्फा इज लेस देन 0.05 देन यहाँ पे लिखो अप्रोक्सीमेशन. पूरे आयोनिक में हमें ये अच्छे से समझ में आता है कब अप्रोक्सीमेशन लेना है कब नहीं लेना है. आयोनिक काफी कुछ क्लियर हो जाता है. के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, अल्फा को इग्नोर किया, सी अल्फा स्क्वायर आ गया. सो यू कैन राइट अल्फा सी अल्फा स्क्वायर इज के, सी को डिवाइड करो अंडर ले लो. सो अल्फा का वैल्यू आ रहा है विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अंडर रूट के बाय सी. ये हमने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी डिराइव किया था. इज दैट ओके टिल नाउ? यस सर. चैतन्य, धनंजय क्लियर है यहां तक? स्वयं प्रकाश? यस सर. यस सर. यस सर. एच प्लस इज सी इनटू अल्फा, हमें H प्लस चाहिए. चलो C का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट के बाय C. C को अंदर लेकर जाओगे अंडर रूट के C हो जाएगा. क्लियर? pH नेगेटिव लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ रूट के C और हाफ अंडर रूट, हाफ को आगे ले लो, हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग C. तो पीएच आ गया हमारे पास हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ के को लिखा पीके माइनस लॉग सी एज इट इज. क्या इतना क्लियर है? ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट. और वीक एसिड pH is half of pK minus log C.
एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस, हम बेस की बात करें वीक बेस की, सिमिलर वे में उसका भी कैलकुलेशन हो जाएगा. वीक बेस को डिनोट किया जाता है BOH से. मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा इसका, सिर्फ फाइनल रिजल्ट बता दूंगा. एट इक्विलिब्रियम C1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा. इसके लिए KA डिफाइन हुआ था, फॉर वीक बेस वी डिफाइन KB. सो अल्फा विल बी अंडर रूट KB बाय C. pH, pH की जगह POH आ जाएगा, OH माइनस है यहाँ पर, हाफ ऑफ PKB माइनस log C. इज दैट ओके? KN, KB are dissociation constant, ionization constant or equilibrium constant for weak acid and weak base respectively. इन्हें dissociation constant, ionization constant, equilibrium constant कहा जाता है. चलें नेक्स्ट केस पे. थर्ड केस कॉपी हो गया था सभी का. अपूर्वा, अथर्व, यस सर. पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या सिमिलर वे में वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. एक एग्जांपल लिया गया है. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. HCN इज अ वीक एसिड, विल डिसोसिएट पार्शियली इनटू H+ एंड CN- आयन. C1- अल्फा गिव C अल्फा एंड C अल्फा, ये पूरा C1 C1 बन रहा है. टोटल अमाउंट ऑफ H+ विल बी C अल्फा प्लस C1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एसिड. साइमल्टेनियस काइंड ऑफ थिंग है ये. H+ जहां से भी आया है सॉल्यूशन में पूरा लिखना होगा. पता है जो HCN इक्विलिब्रियम में है H+ के साथ, ये ऑब्जर्व नहीं करेगा कि उसने खुद ने कितना H+ दिया है, ये ऑब्जर्व करेगा कितना H+ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, चाहे वो यहां से आया हो किसी दूसरे सोर्स से आया हो. तो H+ कंसंट्रेशन विल बी C अल्फा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड रिएक्शन एंड C1 फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन.
if you want to write K, we can write concentration of H plus into CN minus upon HCN. अभी H plus वो आएगा तो solution में present है, ना कि HCN ने जितना दिया है. This is the H plus which present in the solution. Solution में present H plus हमारे पास C alpha plus C1. CN minus हो गया C alpha upon C1 minus alpha. अब अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे प्रैक्टिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू टेक अप्रोक्सीमेशन अगेन हियर. यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन आएगा. अप्रोक्सीमेशन सी अल्फा इज मच लेस देन सी वन. जनरली अल्फा का वैल्यू 5% से कम होता है और इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन एच प्लस ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इस कॉमन आयन में तो और भी कम हो जाएगा. तो ये सी अल्फा को मतलब एच प्लस जो सेकंड रिएक्शन से आया उसे हम इग्नोर ही कर देते हैं. रफली रिटर्न इज सी वन. मतलब हमारा एच प्लस कितना हो, पहले तो हम इसको लिखते हैं के इक्वल टू सी अल्फा प्लस सी वन को हमने सी वन लिखा. ये वाला सी कैंसिल हो गया. अल्फा एक और अप्रोक्सीमेशन वन माइनस अल्फा इज नियरली वन. तो बेसिकली ये आ गया C1 अल्फा. इफ यू वांट टू डिटरमाइन अल्फा ये आ जाएगा K अपॉन C1. ये तो अल्फा का वैल्यू आ गया. H प्लस चाहिए सो फॉर H प्लस C अल्फा प्लस C1. C अल्फा को इग्नोर कर दिया. अप्रोक्सीमेटली C1 pH विल बी माइनस लॉग ऑफ C1. मतलब pH कैसे डिसाइड हो रहा है, द स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसाइड द pH. वीक एसिड पे पीएच का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, होना भी चाहिए. द अमाउंट ऑफ एच प्लस फ्रॉम वीक एसिड इज अराउंड 1-3% ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. 1-3% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मेनली पीएच डिसाइड करता है. हाँ, यदि ये अल्फा 5% से ज्यादा आएगा तो फिर कंसिडर करना पड़ता है, जो जनरली नहीं होता है. अल्फा पूछा है तो ये फॉर्मूला, पीएच पूछा है तो डायरेक्ट आ जाएगा. इन जनरल pH will be decided by strong acid only. Hello, copy.
देखो पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड प्लस वीक एसिड, HCN गिविंग H plus CN minus, CH3COH गिविंग CH3CO minus plus H plus, now both are weak acids. इसका concentration C1 degree of dissociation alpha 1, concentration C2 degree of dissociation alpha 2, H plus दोनों में common ion आ रहा है, तो H plus पहले से आया C1 alpha 1 और from the second reaction it is C2 alpha 2, add कर देंगे हम जो भी H plus, हमेशा यहाँ पे वो लिखा जाएगा which is present in the solution from when whatever the source of the H plus, we need to write all the H plus here. जहां भी H plus है सारा H plus लिखिए. क्या इतना क्लियर है हमें? Yes. अब दो K डिफाइन होंगे क्योंकि दोनों भी कैसेट हैं. इसके पहले वाले केस में सिर्फ एक ही K डिफाइन हुआ था क्योंकि एक भी कैसेट था. K1 H plus into CN minus upon HCN, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C1 alpha 1 upon C1 1 minus alpha 1. Approximation ये आएगा, alpha 1 को ignore कर देंगे हम. पहले वीक एसिड का हम अल्फा इग्नोर करते थे, अब तो कॉमन आयन आ गया H प्लस, और भी कम हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2, दोनों को इग्नोर कर देंगे. तो नीचे बचा C1 इंटू 1, C1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K1 C1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन बनाओ K2 के लिए, H प्लस इंटू CH3CO minus upon CH3COH, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 into C2 alpha 2 upon C2 1 minus alpha 2. Same alpha 2 को ignore कर दिया यहाँ पे और C2 को multiply किया. जैसे ये equation आया था, एक और equation मिला हमें. C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 as it is, C2 alpha 2 as it is, C2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है. This is equation 2. Now if you add equation 1 plus equation 2, इधर बचेगा लेफ्ट साइड में K1 C1 plus K2 C2, राइट साइड में C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, ये कॉमन ले लो, ब्रैकेट में वही बच जाएगा C1 alpha 1 plus C2 alpha 2. इसका मतलब स्क्वायर हो गया. इफ यू एड दिस टू थिंग, इन दोनों को कॉमन लिया, ब्रैकेट में C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 बचा, मतलब होल स्क्वायर. क्लियर? हमें H प्लस चाहिए व्हिच इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2. आ गया है यहां से हमारे पास अंडर रूट इसका नेगेटिव लॉग लोगे पीएच आ गया.
हो गया कॉपी? एक बार हमें केसेस कर लें, फिर इन सब पे एग्जांपल्स भी देखेंगे। Diaprotic weak acid or weak base. Diaprotic, triprotic मतलब जिसमें दो H plus हो, तीन H plus हो, tetraprotic which has four H plus ion. So one of the example for diaprotic is H2S. H2S can donate 2H plus ion, but it will donate H plus ion in two steps. सबसे पहले H2S H plus H minus बनाएगा, then HS minus can further exist in equilibrium with this thing. So we have two types of equilibrium for H2S. H2S पहला H plus lose किया, then HS minus second H plus lose किया. Equilibrium constraint for the first one is called first dissociation constraint, second dissociation constraint. Here, A1, K2. Let's say इसका concentration था C. मैं इसमें X और Y में deal करता हूँ. Alpha थोड़ा confusing हो जाएगा क्योंकि दो steps में C minus X can give X and X. ये जो HS minus बना है यहाँ पर X, ये दोनों HS minus same ही हैं. यही HS minus next reaction से react कर रहा है. X में से Y react कर गया, तो X minus Y बचा, can give Y and Y. Total H plus from the first reaction is X and the second reaction is Y, so it will be X plus Y. यह आ गया हमारे पास X plus Y. Is that okay? क्या ये लिखा है वो समझ में आया है? मैं फिर से एक बार लिख के explain करता हूँ. Simultaneous equilibrium kind of thing है. ये समझ में आएगा मतलब चीजें तुम्हें आयोनिक में कैसे लॉजिकली रिलेट करना है वो समझ में आते चले जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ H2S इनिशियली सी, सी में से X रिएक्ट किया, बचा C माइनस X, X बना, X बना. क्लियर? ये जो HS माइनस X बना है फर्स्ट रिएक्शन से, यही X सेकंड रिएक्शन से Y रिएक्ट किया, X माइनस Y बचा, ये Y बन गया, ये Y बन गया. Total H plus from first reaction is X, from second reaction is Y, X plus Y. If you want to write K1, तो K1 होगा H plus HS minus upon H2S, X plus Y, X minus Y upon C minus X. K2 होगा H plus into sulfide ion, this into this upon this. So ye ho jayega X plus Y H plus into Y upon X minus Y. Is that okay? Kya yahan tak clear hai Gargi? Yes sir.
चलो इसमें अप्रोक्सीमेशन ही आएगा, बोथ के वन एंड के टू आर स्मॉल, यदि ये स्मॉल है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस, ठीक है, रिस्पेक्ट में एक्स को इग्नोर किया, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को इग्नोर किया, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है, उसके बाद तुम्हें के वन के टू के क्या रिलेशन आते हैं, पीएच क्या आता है वो निकाल के बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो आराम से, उसके बाद फिर उसके लिए सॉल्व करो एक्स एंड वाई के लिए। पार्थ इज दैट ओके? यस सर। योगेश कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है आज केमिस्ट्री का, राइट? मतलब जो मेरा अटेंड कर रहे हो। सेकंड है सर। Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. देखो, यदि हमने x के रिस्पेक्ट में y को इग्नोर कर दिया, मतलब हमने x प्लस y को इग्नोर कर दिया, यहाँ पर x प्लस सिर्फ आएगा x, यहाँ पे इस y को इग्नोर किया, यहाँ पे इस x को इग्नोर किया, इसका मतलब we have ignored the second reaction with respect to cos. x में से जो y रिएक्ट कर रहा है वो तो नेगलिजिबल है, यदि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू एच प्लस. If you take negative log of this, half of
पीके वन माइनस लॉग सी आ जाएगा, ठीक है, और आना भी चाहिए। यदि हमने H प्लस जो सेकंड रिएक्शन आ रहा है उसे इग्नोर कर दिया, वी हैव नॉट कंसिडर द सेकंड डिसोसिएशन, हमने सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन कंसिडर किया है, तो पीएच जो वीक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया वो पापा पीके माइनस लॉग सी की वजह से पीके वन आ जाएगा। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, यदि सिर्फ वीक एसिड वाला ही इसमें पीएच आना था तो पूरा कैलकुलेशन क्यों किया? सम टाइम्स में आस्क समथिंग एल्स, हम के2 के लिए सॉल्व करेंगे, y मोर किया, y मोर किया, बचा क्या x into y upon x, x कैंसिल हो गया, तो तुम देखोगे यहां पे k2 आ रहा है y, which is the concentration of sulfide ion, यानी by chance तुमसे सल्फाइड आयन का पूछ लिया तो हमें कैलकुलेशन वगैरह पता होना चाहिए, क्या कुछ और भी पूछ लिया तो हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। क्या इतना क्लियर है सर? यस सर। ये डायप्रोटिक वीक एसिड वीक बेस हमेशा दो स्टेप्स में टूटते हैं? यस, हमेशा, यदि वीक है तो दो स्टेप में ब्रेक होगा ही, कभी भी एक स्टेप में नहीं लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिखा गलत लिखा। हां, डेफिनेटली यू कैन डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट के1 इनटू के2 दोनों रिएक्शन के एडिशन से आया, बट ये लिखना गलत हो जाएगा कि C में से X रिएक्ट किया तो इसका 2X बना और इसका X बना, ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो H plus बन रहा है X plus Y बनेगा, तो this is not correct, you can write addition of equilibrium which is K1 into A, this is correct। हाँ सर। बस एक लास्ट और केस है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर सारे केसेस। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, हमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर में रिलेशन बताना है के बी में। सबसे पहले इफ HCN इज एसिड, क्या इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K होगा, K मींस व्हेन एसिड इज गिविंग H प्लस आयन, तो ये तो समझ में आ गया K होगा, K भी इसका कंजुगेट बेस कौन सा है, CN माइनस, तो व्हेन CN माइनस, अब इसके पास OH माइनस तो है नहीं कि OH माइनस यूज करेगा, देन CN माइनस when reacts with water it can give HCN plus OH minus, ye pani se OH minus remove karega and it is its equilibrium constant is defined as KB for CN minus, acid NH plus diya K uske conjugate base pe OH minus create kiya water se KB, is K KB mein hame relation nikalna, kya itna samajh mein aata hai? Yes. चलो के लिखते हैं, के भी लिखो, एच टू सॉल्वेंट है, कंसंट्रेशन इज वन, नाउ मल्टीप्लाई के इंटू के बी, हमें रिलेशन निकालना है, मल्टीप्लाई कर ये CN माइनस और ये CN माइनस मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो गया, ये HCN और ये HCN कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास H प्लस इनटू OH माइनस, क्या होता है H प्लस इनटू OH माइनस, KW KW, सो K इनटू KB आ रहा है हमारे पास KW, यदि वन ऑफ द K और KB इज गिवन वी कैन डिटरमाइन द अदर, नेगेटिव लॉग लोगे सो माइनस लॉग ऑफ K TK
माइनस लॉग ऑफ के बी ई के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिस्टर बेस. मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे. Just a minute. क्या स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? यस सर. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35 करना है सबसे पहले. बेस्ड ऑन मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. There are four questions on the screen. तुम्हें वो चारों questions करने हैं. पांच questions हैं. पांचों करने हैं. सर स्क्रीन दिख रही नहीं. अभी दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है. चलो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन 44, 45, 46 कौन से क्वेश्चन में डाउट है? विच क्वेश्चन नीड टू बी डिस्कस्ड?
45. The equilibrium for the reaction is 10 to the power 8 times of that ionic product of water. क्या वो जो reaction है वो KB होगा? Almost ये reaction लिखा है ना आपको जब हमने लिखा है KB का ये वाला reaction लिखा हुआ है इसमें A minus के लिए. So 45th question में हमें KB दे रखा है 10 to the power 8 times of KW और हमें K पूछा है उसके conjugate से हमारे पास एक रिलेशन है K into KB is KW. चलो KB को replace कर दो 10 to the power 8 KW into KB को replace किया 10 to the power 8 W K as it is equal to KW. KW cancel K आ गया 10 to the power minus 8. यहाँ पे 1 बचा divide कर दिया. Is that okay? Yes sir. Next doubt. Next out. Sir, इसके answers क्या है लेकिन सबके? पूछो किसका चाहिए तुम्हें? Sir, 44. 44, the following reaction takes place in the body. If CO2 escape, मतलब reaction backward shift होगा. If one of the reactant is removed from the system, reaction shift in backward direction. If CO2 escape, reaction shift in backward direction, then H plus decreases, pH increases. B option is correct. Is that okay? Yes, sir. 46 ka batao, dissociation constant for two acids are given. Whose pH value will be higher? Jiska dissociation constant zyada ho, uska pH kam. Dekho, jitna zyada dissociation constant hota, utna zyada H plus, aur jitna zyada H plus, utna kam pH. तो pH high किसका होगा जिसका dissociation constant कम है HA का. 47 C दे रखा है alpha दे रखा है और ionization constant पूछा है हमें C दे रखा है question में 47 में 0.1 alpha is given 10 to the power minus 5 0.001% जब percent को absolute में convert करोगे 10 to the power minus 5 आ जाएगा K होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा नीचे वाले अल्फा को इग्नोर कर सकते तो C 10 टू द पावर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 11 आ रहा है. इज दैट ओके? Okay? 48th क्वेश्चन द pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HA K दे रखा है और मोलारिटी दे रखी है वी कैसे pH इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस log C कर दो आंसर आ जाएगा. 48. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम. This four questions 35, 40, 41, 42. इसमें diaprotic acid भी आया है, combination of acid mixture भी आया है.
सारे अटेंड कर लो, मैं इस पे सारे एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 42nd क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है इसमें से? 35th व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड बेस रिएक्शन कराओ। देखो पीएच 1 चाहिए, ये तो डेफिनेट है, एसिड ज्यादा होना चाहिए। पहले केस में एसिड बेस दोनों बराबर है, पीएच 7 हो जाएगा। सेकंड केस में एसिड ज्यादा है, थर्ड केस में बेस ज्यादा है, तो वो तो आंसर होगा नहीं। डी केस में एसिड ज्यादा है, अब कैलकुलेशन करते हैं सेकंड और फोर्थ केस का, बी और डी ऑप्शन का। 55 ml 1/10 बोला, 55 × 1/10 कितना होगा? 5.5 mmol ऑफ HCl, और 4.5 mmol 45 × 1/10, तो 4.5 OH - 5.5 H+1 H+ बच जाएगा 1 mmol। इज दैट ओके? यस यस सर। 1 mmol अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 ml, तो H+ का जो कंसंट्रेशन आएगा मिलीमोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम, ये आ रहा है 10⁻², pH आ रहा है 2, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सिमिलरली ऑप्शन डी मैच करवा के देखो वो कर रहा है। ठीक है सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट 40
40 में एक एसिड है उसका पीएच 3.2 है, तो बेस का पीएच कितना होगा विद द सेम कंसंट्रेशन है के डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो जो पीएच का फॉर्मूला हमारे पास एसिड के लिए था हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी, सेम फॉर्मूला हमारे पास पीओएच के लिए फॉर वीक बेस पीके भी माइनस लॉग सी। क्वेश्चन में दे रखा है सी सेम है के भी सेम है, तो पीएच पीओएच के इक्वल हो जाएगा, इज दैट ओके। तो पीओएच हो गया अमोनिया का 3.2, तो पीएच कितना होगा 14 माइनस 3.2 आंसर 10.8 राइट यस सर। नेक्स्ट 41 42 में से 42 तो मुझे पता ही बताना है, 41 बताना है क्या यस सर? हां सर यस सर, हम क्या बोल रहे हैं यस। अल्फा दे रखा है 0.01, एच प्लस दे रखा है 0.1, एच प्लस सी अल्फा लिखा था क्या हमने, यहाँ पे तुम्हें सी दे रखा है 0.1 बोला, अल्फा 1% मतलब 0.01, पीएच विल बी 3, इज दैट ओके सर। 42nd क्वेश्चन, pH 3 दे रखा है, H2S 0.1 मोलार, सल्फाइड आयन पूछा है। चलो एक इक्विलिब्रियम हमारे पास होगा ये वाला OH plus plus सल्फाइड, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी देखा हमने K1 into K2 हो जाएगा। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे 2X और X ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, वो गलत है, बट यस दिस इज करेक्ट। तो इसका कंसंट्रेशन 0.1 माइनस X, बट इसका कितना बनेगा मैं नहीं पता, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्या हमें पीएच 3 दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब एच प्लस 10 टू द पावर माइनस 3, व्हाट एवर द सोर्स ऑफ एच प्लस, टोटल एच प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, इतना समझ में आता है। तुम्हें K1 K2 दे रखा है क्वेश्चन में, तुम्हें सल्फाइड कैलकुलेट करना है, H+ इज गिवन इन द क्वेश्चन, H2S इज गिवन 0.1, इसमें से जो रिएक्ट करेगा उसे इग्नोर कर देंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं। क्लियर है इतना? तो 10 टू द पावर माइनस 3 पावर 2 इनटू सल्फाइड आयन जो कैलकुलेट करना है अपॉन H2S इज 0.1 हो जाएगा ये क्वेश्चन यस। चलो अब मुझे बताओ, पहले तो मैं होमवर्क बताया था दोनों बैच को और उसके बाद होमवर्क जो लास्ट टाइम था वो डिस्कस भी कर लेंगे। होमवर्क एमआर एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन 2 ये तो MR के लिए है होमवर्क, JR एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ सेक्शन A अप टू सेक्शन E, अप टू सेक्शन E बुकलेट कल मैंने पोस्ट किया है PDF फाइल, वो कंप्लीट बुकलेट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और भी है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा जब मैं होमवर्क दूंगा। चलो JR को शायद पहले होमवर्क नहीं किया था, बुकलेट ही कल पोस्ट किया है, ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। MR का जो होमवर्क था मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कहाँ पर डिस्कस हो गया था MR का होमवर्क, कुछ हुआ था पहले डिस्कस? सेक्शन ए, सेक्शन ए क्या कुछ होमवर्क डिस्कशन पेंडिंग है MR बैच का? सेक्शन बी और सी, सी दिया था सर? हाँ सर। ठीक है चलो, सेक्शन बी डाउट यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। डाउट्स ऑफ सेक्शन बी,
Fourth question. Aniline. Tenth question. Very weak acid. So aniline is a very weak base. Which of the following, which of the given aniline solution will have the highest degree of dissociation? गार्गी क्या हमने अल्फा का ये फॉर्मूला देखा है? हाँ सर, के बी वाई सी. ग्रेटर द सी लेसर द अल्फा, लेसर द सी ग्रेटर द अल्फा. हाँ सर, समझ गया. हाँ. फोर्थ के बाद फिफ्थ. पीएच इज गिवन 7.4, देन एच प्लस. पीएच इज 7.4 माइनस log of H plus is 7.4. तो H plus calculate करना है यहाँ पर. Check करो. एक काम करो, option से चले जाओ, वो better है. क्या? 0.6. मतलब ये आएगा log 4 into 10 to the power minus 8. इसका log लेकर देखो, negative log 7.4 आ जाएगा. Clear? Fifth के बाद था 9th. And 10 from Shubham. ये मुझे नहीं पता मैंने पहले कैसे दिए थे कराया, तो आज सेक्शन भी पहले कैसे दे दिया था मैंने, आज ही हुआ है तो सर. सब कुछ आज हुआ है, तो मैं सेक्शन भी अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. मतलब इवन ये चीजें भी याद ही हुई है, ये अल्फा मैंने आज डिराइव किया है, राइट? तो मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा एमआर ब्रिज का भी, क्योंकि हुआ नहीं था वो, आज ही कवर हुआ है. ठीक है, मैं फिर अभी सेशन एंड कर रहा हूं. हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं.